हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। हाल ही में धुले जिले में एक 5 वर्षीय बालिका के साथ हुई दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। इस घटना का विरोध सभी संगठनों द्वारा हो रहा है। भुसावल के वरनगांव शहर के तेली समाज की महिला और जय संताजी युवा फाउंडेशन की ओर से बालिका पर अत्याचार करने वाले युवक को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, इस मांग को लेकर पूरे शहर से मुक्म मोर्चा निकाला गया। मोर्चे के बाद महिलाओं ने वरनगांव पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक जगदीश परदेसी को भी ज्ञापन सौंपा। अपने ज्ञापन में आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाए, पीड़िता की फैमिली को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, पीड़िता की फैमिली को सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जाए जैसी मांगों का समावेश था। एक 5 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवरती एक नराधमाने रामाने बलात्कार केला। त्या बलात्काराच्या घटनेच्या निषेधार्थ त्या मागण्यामध्ये प्रमुख्याने त्या मुलीच्या आरोपींना तात्काळ अटक झाली पाहिजे, त्यानंतर खटला फास्ट्रॅक कोर्टामध्ये चालला पाहिजे, कोसा अंतर्गत कायद्याअंतर्गत त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। साथ ही भुसावल में भी इस घटना का विरोध किया गया। यहाँ के तेली समाज के द्वारा भी प्रांत कार्यालय में ज्ञापन देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अब देखना यह है कि 5 वर्षीय बालिका के साथ ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाला कब तक पुलिस की गिरफ्त से बच पाता है। एक 5 वर्षाच्या मुलीवरती घटना घडली, खूप दुर्दैवी घटना है। अशा लोकांना फाशी शिक्षा व्हावी आणि ज्यांना जो कोणी सहकार्य करत असेल त्यांना सुद्धा शिक्षा व्हावी। माझी विनंती आहे प्रशासनाला पुरसर की जलद गतीने याचा आपण चौकशी करून जो कोणी दोषी असेल त्याला फाशी शिक्षा आपण करावी आणि पुन्हा भविष्यामध्ये अशी घटना कोणाच्याही मुलीसोबत घडू नये। वरणगाव से सुरेश महाले और भुसावल से प्रमोद पाटील की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।